हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका ट्रेनिंग क्वारी पर। फिरोजपुर कैंट से फाजिल्का के लास्ट और लेटेस्ट इलेक्ट्रिफिकेशन अपडेट के बारे में इस वीडियो में आपको बताऊंगा। प्लेटफॉर्म नंबर 2 से DMU से डिपार्चर कर रहा हूं मैं। फिरोजपुर छावनी में तो इलेक्ट्रिफिकेशन कंप्लीट है, लेकिन केवल प्लेटफॉर्म नंबर 1, 2 और 3 पे, 4 और परली तरफ यार्ड में काफ़ी काम बाकी है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, फुट ओवर ब्रिज और रेल ओवर ब्रिज के ऊपर जो है वो ट्रैफिक चल रहा था, जो कि 23 तारीख से लेकर 3 मार्च 2024 तक जो है 10 दिन के लिए दोबारा से बंद किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो है वो अप्रोच रोड को बनाने का काम फाइनल करना है। सिटी की तरफ बढ़े तो सिटी में काम हुआ नहीं है, पोल लगे हुए हैं बड़े ब्रैकेट सिटी में, स्टेशन पे तो लगेंगे नहीं लेकिन यार्ड की तरफ लगेंगे आगे, यानी आप जब फाजिल्का की तरफ बढ़ेंगे। और यहाँ पर जो है सामने क्रेन भी खड़ी है, JCB क्रेन भी खड़ी है, और सामने आप देख सकते हैं वायरिंग के लिए जो है वो सामान वगैरह लाने वाली जो ट्रेन है वो यहाँ से निकल रही है। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए अभी पोल ही लगाए गए हैं, और वो भी प्लेटफॉर्म के ऊपर नहीं। आगे बढ़ते हैं तो बड़े ब्रैकेट्स मिलते हैं, और साथ ही साथ जब आप फाजिल्का की तरफ बढ़े तो अब मैं बढ़ रहा हूँ, देखिए SSP अभी काम पेंडिंग है यहाँ पर, लेकिन जब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं 1.4 का भी जो है वो माइलस्टोन निकला है। सिटी स्टेशन से लगभग 1.5 किलोमीटर आगे आने पर दोबारा से आपको वायरिंग मिलनी शुरू हो जाती है। देखिए वायरिंग कर दी गई है, क्रॉस वायरिंग हो गई है। तो सिटी से निकलते ही जब आप 1.4 लगभग जो है वो क्रॉस करते हैं, तब आपको वायरिंग मिलती है। जो कर्व आता है सिटी से निकलने के बाद बॉर्डर रोड के लेवल क्रॉसिंग से पहले जो आता है, वहाँ से वायरिंग आपको जो है वो कंटिन्यू मिल रही है। अच्छी बात है, सिटी से आगे जो है वो वायरिंग मिलती है। और उसके बाद इस समय जो है थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ मैं, देखिए लगातार पोल मिल रहे हैं, काफ़ी लंबे समय से इन पे जो है वो ब्रैकेट ST VT लगा दी गई थी, अब वायरिंग कंप्लीट कर दी है। जोक टेल सिंह वाला में भी देखिए वायरिंग जो है, उनकी दो ही लाइनें यहाँ पे, मेन लाइन और लूप लाइन एक नंबर प्लेटफॉर्म पे जो आती है। अब यहाँ पे एक बात यह है कि इनमें जो वायरिंग है ना, जो यानी दोनों वायरिंग के बीच में जो ड्रॉपर का इस्तेमाल किया जाता है, उसमें अभी केवल जो है वायर यानी तार को बांध कर छोड़ा गया है, प्रॉपर ड्रॉपर जो है वो इस वायरिंग में अभी लगाई नहीं गई है। तो जोकटेल सिंह से निकलने के बाद भी लगातार पोल मिल रहे हैं और फायरिंग इनके ऊपर मिल रही है, लेकिन इस पर अभी जो है वो प्रॉपर ड्रॉप लगाने जो है, ड्रॉपर लगाने जो है वो बाकी है। गुरु हर साय रेलवे स्टेशन लगभग 35 किलोमीटर के माइलस्टोन पे आ गए हैं सिटी से, और आज ट्रेन को प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे लिया गया है। शायद 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे कोई काम चल रहा होगा, क्योंकि इस समय कोई क्रॉसिंग के लिए रुकती नहीं है। यहाँ आउटर तक जो है वायरिंग हो चुकी है गुरु हर साय में, और देख सकते हैं यहाँ पर ब्रैकेट्स लगेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है वो एक मेन लाइन के अलावा 2 लूप लाइन दोनों तरफ है। और इस तरफ देखिए आप ब्रैकेट्स की डिस्टेंस देखिए कितनी दूर है, यानी यहाँ पे आने वाले टाइम में कभी भी 2 लाइनें और यानी 5 लाइनों के हिसाब से जो है वो बड़े ब्रैकेट्स लगाने का काम हुआ है। और ब्रैकेट्स जो है वो केवल जो है वो अभी हॉरिजेंटल लगे हैं, वर्टिकल नहीं। गुरु और साहब से निकलने के बाद देखिए दोबारा से केवल जो है SCVT लगी हुई, पोल मिलते हैं 36 एक किलोमीटर आगे निकलते ही, मतलब गुरु और साहब से निकलते ही जो है वो पोल मिलते हैं। लेकिन जैसे ही आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो जलालाबाद रेलवे स्टेशन के आउटर तक जो है आपको दोबारा से वायरिंग मिलती है। आउटर पे आ गए जलालाबाद रेलवे स्टेशन पे 52 का माइलस्टोन, और यहाँ पे देखिए ये लास्ट पोल है वायरिंग के लिए, और आगे जो है वो बड़े ब्रैकेट्स लगने हैं। तो जलालाबाद रेलवे स्टेशन पर भी देखते हैं कि क्या काम अभी होना बाकी है। देखिए यहाँ से जो है वो लूप लाइन शुरू हो जाती है, यहाँ पर भी देखिए काम चल रहा है, लूप देखिए मास्क नीचे रखी गई है पोल के, और सामने देखिए यहाँ पे 3 लाइनें हैं, मेन लाइन और लूप लाइन गुरु हर सहाय की जैसी। और यहाँ भी सेम ही है कि जो वर्टिकल पोल लगाए गए हैं ना काफ़ी पीछे, हालांकि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल पोल भी लगा दी गई है, मास्ट भी लगा दी गई है, 3 लाइनों के लिए 3 मास्ट लगा दी गई है, और बीच में अभी गैप आप देख सकते हैं कि इस हिसाब से 2 लाइनें और भी बिछाई जा सकती हैं। इस तरफ गुड्स का प्लेटफॉर्म है, और यहाँ देखिए मास्ट लगा दी गई है जलालाबाद में। और जलालाबाद से निकलने के बाद दोबारा देखिए जैसे थोड़ा सा बाहर निकलते हैं तो आपको दिख रहे हैं कि 2 पोल निकले हैं जिनके ऊपर जो है वो SCVT लगी हुई है, मास्क लगी हुई है, लेकिन वायरिंग नहीं हुई है। और जैसे ही आप स्टार्टर सिग्नल से आगे की तरफ बढ़ते हैं दोबारा से आपको जो वो जलालाबाद रेलवे स्टेशन से फाजिल्का एंड की तरफ जैसे ही आप निकलते हैं तो वायरिंग मिलनी जो है शुरू हो जाती है, और ये वायरिंग आगे भी कंटिन्यू रहती है। DAV कॉलेज हॉल्ट जलालाबाद से निकलने के बाद भी लगातार वायरिंग जो है वो अपने को मिल रही है। लादुका रेलवे स्टेशन पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए हाँ यहाँ पे प्रॉपर ड्रॉपर लग गए हैं। लादुका रेलवे स्टेशन पे जो है प्लेटफॉर्म नंबर 1 और लूप लाइन के ऊपर जो वायरिंग की गई है, मतलब
क्रॉस वायरिंग कर दी गई है, इसके ऊपर ड्रॉपर जो है वो प्रॉपर लग गए हैं, जो कि जोगटेल सिंह वाला रेलवे स्टेशन पे थोड़ा सा अलग पोजीशन थी। प्लेटफॉर्म के ऊपर भी यहाँ वायरिंग जो है एक नंबर पे भी हो चुकी है, 71 किलोमीटर का माइलस्टोन। और जलालाबाद में भी जो पोजीशन थी सेम लादुका में मिलती है। फाजिलका में आप एंटर करते हैं तो वायरिंग मिलती है आउटर तक, चाहे मुक्सर वाला सेक्शन हो चाहे फिरोजपुर वाला सेक्शन हो, दोनों सेक्शन पे आउटर तक वायरिंग मिलती है। और फाजिलका रेलवे स्टेशन पे आप देखिए इस तरफ, हालांकि आगे आपको मास्ट भी दिख रहा है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल पोल दिख रहे हैं, लेकिन पीछे की तरफ कुछ पोल जो है वो केवल खड्डों में लगाए गए हैं। जो पीछे का आपको पोल दिखा उसको अभी जो फिक्स भी नहीं किया गया है। यहाँ पे देखते हैं क्या काम होगा। आपको पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था फाजिलका रेलवे स्टेशन रीडेवलपमेंट और इलेक्ट्रिफिकेशन पे, तो फाजिलका रेलवे स्टेशन पे अगर आपको पूरा डिटेल वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको इस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी नेक्स्ट टाइम मैं इस सेक्शन पे तभी आऊँगा जब इलेक्ट्रिक ट्रेन के साथ इस पे ट्रायल होगा या पहली बार इलेक्ट्रिक ट्रेन जो है इस सेक्शन को मिल जाएगी। तो आज के वीडियो में फिरोजपुर से फाजिलका के इलेक्ट्रिफिकेशन की लेटेस्ट अपडेट के बारे में आपको बताया। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ आपसे रेलवे की किसी नई अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद।